तो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा मैंगो डिज़र्ट। तो कितनी आसान रेसिपी है दोस्तों, ना व्हिप क्रीम चाहिए, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क मेड। तो बहुत ही कम खर्च में बन जाता है दोस्तों ये मैंगो डिज़र्ट। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। जो भी अगर के घर पर अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप फटाफट से इसे बना कर दे सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना है दोस्तों। अगर आप एक बार बनाकर इसे खाओगे ना तो यकीन मानिए इतना पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो आप भी खाइए दोस्तों, अपने बच्चों को भी खिलाइए। ये मैंगो डिज़र्ट रेसिपी आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बारीक वाला जो साबूदाना होता है वो लिया है। तो दोस्तों इसी के हम आज मैंगो डिज़र्ट रेसिपी बनाएंगे। तो उसमें हम ये साबूदाना ऐड करने वाले हैं। तो चलिए इसको अब हम उबालने रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसको थोड़ा धो लेंगे दोस्तों, दो तीन पानी से वॉश कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से मैंने दो पानी से इसे वॉश कर लिया है। अब इसे हम पौना टॉप जितना पानी रखेंगे। तो देखिए सिर्फ एक इंच कम है, इतना पानी हमें भरकर रखना है। अब इसे हम 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर दोस्तों हमें इसे 10 मिनट बॉईल करना है। दोस्तों थोड़ा इसे ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये एक साथ इकट्ठा होके चिपक नहीं जाए आपस में, इसलिए इसे थोड़ा चलाना ज़रूरी होता है। एक बॉईल आ गया है दोस्तों, अब गैस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे बॉईल होने देंगे। दोस्तों यहाँ हमारे साबूदाने बॉईल हो रहे हैं, जब तक हम इसका मीठा बना देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक कप दूध लिया है, आप यहाँ उबला हुआ या कच्चा जो भी दूध आपके पास अवेलेबल हो ले सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 कप शुगर लिया। यहाँ पे मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हो दोस्तों। 1 टीस्पून और डाल देंगे। अभी मैंने गैस बंद ही रखा है दोस्तों, पहले अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेते हैं। वो झटपट बनने वाली रेसिपी है दोस्तों ये। चलिए अभी गैस ऑन कर लेते हैं, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। इसको ऐसे ही चलाते हुए लगातार पकाना है हमें, इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लगभग पक ही चुके हैं, तो अब थोड़े से हल्की सी कसर रह गई है। चलिए अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ हम इसे 10 मिनट ढककर रख देते हैं, तो ये जो कच्चे रह गए ना थोड़े से, तो वो कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से, पूरे पक जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों टोटल मैंने यहाँ इसे 10 मिनट बनाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको यहाँ ठंडा होने देते हैं दोस्तों। थोड़ा चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर पापड़ी जम जाती है दोस्तों। तो पंखे के नीचे आप इसे थोड़ा ऐसे चलाते हुए ठंडा कर लीजिए, जब तक गैस गर्म है। तो थोड़ा मैं इस पर और इसे थोड़ा कुक कर रही हूँ। ठंडा होते होते अच्छी तरह ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों टोटल यहाँ मैंने इसे 10 मिनट ढककर रखा था। इसको छान लेंगे अब दोस्तों हम।
अब इस पे हम ये ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से गल गए। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाला साबुदाना लिया था दोस्तों, आप इसकी जगह जो मोटे वाले मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के रखेंगे। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से ठंडा हो गया ये। चलिए चलिए बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए दोस्तों कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ये। अब मेन इंग्रेडिएंट डालना इसमें बाकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक मीडियम साइज़ का आम था मेरे पास, तो मैंने इसको ऐसे बारीक बारीक क्यूब में कट करके रख दिया था फ्रीज़र में। तो देखिए अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। चलो इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसे। चलिए दोस्तों अब इसको हम एक घंटा रख देते हैं फ्रिज में, तो ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों तैयार है हमारा मैंगो डिज़र्ट। तो कितनी आसान रेसिपी है दोस्तों, ना व्हिप क्रीम चाहिए, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क मेड, तो बहुत ही कम खर्च में बन जाता है दोस्त। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। जो भी अगर के घर पर अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप फटाफट से इसे बना कर दे सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना है दोस्तों, अगर आप एक बार बना कर इसे खाओगे ना तो यकीन मानिए इतना पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो आप भी खाइए दोस्तों, अपने बच्चों को भी खिलाइए। ये मैंगो डिज़र्ट रेसिपी आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।